खबर उत्तर प्रदेश हमीरपुर से। राशन दुकान के आवटन पर पक्षपात का आरोप। भाजपा नेता राम फूल के इशारे पर कोटे का आवटन किए जाने का लगाया आरोप। चयन प्रक्रिया में गोपनीय मतदान कराए बिना कोटा आवटित किए जाने का आरोप। आधा सैकड़ा ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मामले की जाँच कराकर गोपनीय मतदान कराने की मांग। सुमेरपुर विकासखंड क्षेत्र में के बड़ा कचार गाँव का मामला है। देखिए, प्रधान जो है निरंकुश हो चुका है पूरी तरह। अपने चहेतों को वो कोटा दिलवाने के लिए कई बार इस तरह की प्रक्रियाएं करा चुका। अब देखिए, हाथ उठा करके कहीं चयन नहीं होता। आपसी बुराई बढ़ती है, आपसी विद्वेष गांव में कोई नहीं पालना चाहता आपस में। गुप्त मतदान के द्वारा जो भी चुनाव प्रक्रिया हो वो हमें पूरी तरह मान्य होगी। और हाथ उठा करके या जन संप्रदाय की गिनती करा करके कहीं भी इस तरह की चुनाव प्रक्रिया मतलब नहीं। आप नहीं कोटे है। की बात कर रहे हैं, कोटे हाँ। में क्या समस्या है? कोटे में समस्या ये है कि कोटा कैंसिल किया गया। गंगा दीन के कोटेदार से कोटा कैंसिल कराया गया। इसके बाद जो पात्र व्यक्ति थे, मतलब जो उसके लिए अप्लाई किए, उन लोगों में लोग वहाँ पहुँचे मीटिंग हॉल में। जब पहुँचे तो प्रधान ने अपने लोगों को, नाते रिश्तेदारों तक को इकट्ठे अपने घर में वहीं बिठा लिया, पंचायत भवन स्कूल में, जूनियर हाई स्कूल में बिठा लिया। अब बाकी लोगों को गेट में ताला लगवा करके अंदर आने की इजाज़त तक नहीं दिलवाई। वहाँ फोर्स लगा, फोर्स से कोई लड़ नहीं सकता। अच्छा, आप डीएम साहब के पास आए हैं क्या मांग करने के लिए? मांग करने की कोटा ये निरस्त किया जाए। अच्छा, कौन से गाँव से हैं आप? छोटा कछार से। छोटा 22 को चुनाव समिति की बैठक हुई जिसमें शासनादेश का पालन नहीं किया गया, क्योंकि शासनादेश में खुले शब्दों में दिए हैं कि 2015 में जो प्रधान पद के में लागू आरक्षण वही हिसाब से ग्राम सभा में दुकान का चयन किया जाए। यदि अगर कोई रिक्त दुकान हो रही है तो उसमें 2015 के शासन ग्राम प्रधान के पद के शासनादेश के हिसाब से होना चाहिए, जो हमारे ग्राम सभा में 2015 में समान वर्ग की महिला के लिए आरक्षित थी। तो हम ग्रामवासियों की तरफ से यही है कि वहाँ केवल महिला का ही आवेदन मान किया जाए और उन्हीं को चुनाव में वरीयता दी जाए। अच्छा, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।